अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल श्री तैमन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग भी ठीक हैं, आप लोग भी होंगे अल्लाह पाक के करम से। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी दाल गोश्त की रेसिपी। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ऑयल ऐड किया है, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे तरीके से हम ऑयल में भून लेंगे, ठीक है, ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने गोश्त अच्छे तरीके से वॉश करके रखा है, ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें ये ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट से अच्छे तरीके से इसी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट में हमें फ्राई करना है गोश्त को। तो यहाँ पर मैंने आधा घंटा पहले चने की दाल भिगो के रख ली थी, ठीक है, तो इसे आधा घंटा पहले भिगो देनी है। मैं बॉईल करके ही करूँगी, मैं ऐसे ही ये पकाऊँगी। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं कि हमारी गोटियों में कलर आ चुका है ब्राउन सा, ये आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें टमाटर ऐड कर देंगे एक, और ये मसाले 2 टीस्पून धनिया पिसी हुई, 2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, और 1.5 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये हम इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से इसे पका लेंगे। और लाल मिर्च पाउडर और नमक, नमक कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने, तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो ये मसाला है तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो गल जाए। फ्रेंड, जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और टमाटर भी गल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, पसंद आती है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। पानी ऐड करने के बाद हम गोश्त को गलने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कवर कर देते हैं, कवर करके हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो कुछ हद तक गल चुका है। अब हम इसमें चने की दाल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा गोश्त भी गल जाएगा और हमारी दाल भी पक जाएगी। तो अब हम इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट तक, गैस का फ्लेम कम करके। तो फ्रेंड, अब हम इसमें ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, तो हमारा ये दाल गोश्त जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, अब हम इसमें धनिया ऐड कर देते हैं, फिर हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। Thank you.
तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो मज़ेदार सा दाल गोश्त है बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे डिश आउट कर लूँगी ताकि फाइनल लुक जो है आप लोगों को दिखा सकें। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं हमारा बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से हमने दाल गोश्त बना लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर हम हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।